नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। नोटबंदी को आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने अपने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंक में जमा नहीं किया है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आरबीआई ने कैश जमा करने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये क्या है नियम और उनकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी से। नमस्कार बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम दर्शकों के टैक्स के सवालों को हल कर रहे हैं और आपसे सवाल लें, कुछ एक नोटिफिकेशन आए हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने एक और क्लैरिफिकेशन आज जारी किया है कि अब 30 दिसंबर तक जो आप पुराने नोट जाके जमा करेंगे उस पर एक लिमिट है 5000 की। इस लिमिट के बारे में बताएं और एग्जैक्टली इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। देखिए पल्लवी, ऐसा है जो आज आरबीआई का नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक 5000 के ऊपर अगर आपका जमा कराना है पैसा, ये जो पुराने जो 500 और 1000 के नोट है, तो वो एक बार ही करवा सकते हैं। परंतु अगर आप 5000 से कम जमा कराते हैं तो ये लिमिट क्यूमुलेटिव मानी जाएगी और जैसे ये 5000 क्रॉस हो जाएगी उसके बाद में अगर आपको जमा कराना है तो बैंक के दो ऑफिसर की उपस्थिति में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप इतने दिन क्यों नहीं जमा करा पाए और उसके बाद वो पैसा जमा हो पाएगा। साथ ही इसमें ये भी क्लैरिफिकेशन है कि जो केवाईसी कंप्लायंट खाते हैं, जिनके सारे पेपर्स पूरे हैं, उनके लिए 5000 के लिमिट है, जबकि जिन खातों का केवाईसी अभी पूरा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आए जिनके कुछ एड्रेसेस में चेंज है, कुछ बदलाव है केवाईसी में और उनकी तो देखा जाए तो पूरी तरह से केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए लिमिट में कुछ डिफरेंस है, उनकी लिमिट क्या रहेगी। देखिए पल्लवी, जिनका केवाईसी हो रखा है बैंक में उनके लिए 5000 की लिमिट है और जिनका केवाईसी कंप्लाइंट नहीं है वो 50000 तक जमा करा सकते हैं। परंतु जो केवाईसी कंप्लाइंट नहीं है उनके ऊपर विड्रॉल की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू होगी। जैसे 16 तारीख को आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, उसके हिसाब से जो अकाउंट बैंक अकाउंट आरबीआई अपना केवाईसी कंप्लाइंट नहीं है या जिनको छोटा अकाउंट बोलते हैं उसमें एक महीने में आप 10000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और अगर आपको उससे ज़्यादा विड्रॉ करना है तो आपका जो पैन कार्ड है उसका कॉपी या फॉर्म 60 जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। इनफैक्ट तो अगर हम मोटी तरह से समझें तो 6 नियम एक तरह से अभी हैं जो कैश जमा करने को लेकर हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि 30 दिसंबर तक, जो आखिरी तारीख है इन पुराने करेंसी को जमा करने की, 5000 रुपये का एकमुश्त रकम जमा कर पाएंगे। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा राशि अगर आप जमा करते हैं, जो कि क्यूमुलेटिव बेसिस पर तय की जाएगी जैसा एक्सपर्ट ने बताया, तो आपसे दो बैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे, यानी आपसे सोर्स पूछा जाएगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने 8 नवंबर से अभी तक इस राशि को नहीं जमा किया। तीसरा नियम, जैसे कि हमने पहले कहा कि 30 दिसंबर तक आपको बैंकों में ये पैसे जमा कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी यही रूल है कि 5000 तक की लिमिट है। जैसे कि हमने पहले कहा केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स के लिए 5000 की लिमिट है, जबकि नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट्स के लिए ये लिमिट 50000 है। तो छठा और इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है इसी को लेकर कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, यानी कि जो काला धन घोषित करने के लेकर जो स्कीम सरकार लेकर आई है उसके तहत ये लिमिट लागू नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन का सवाल है बलवंत जी, जो कुछ भी कैश लोग जमा करा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें अपना आईटीआर भी फाइल करना होगा, तो क्योंकि इससे पहले भी हमने चर्चा की थी मनी गुरु में कि कई लोग ऐसा सीबीडीटी को लगता है कि टैक्स रिवाइज करने को लेकर कुछ इस नियम का, इस प्रोविजन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए रिवाइज आईटीआर को लेकर भी काफ़ी सख्त है सरकार। ऐसे में अब ये जो नियम आया है इसका क्या इम्प्लीकेशन आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, जो लोग अपना टैक्स भी प्लान कर रहे हैं इस समय। देखिए पल्लवी, जो ये आरबीआई के जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनका आपकी टैक्स लाइबिलिटी पे कोई भी अलग इम्प्लीकेशन नहीं है। मतलब जो इम्प्लीकेशन है वो आप जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हैं उसके सोर्स से लेकर है। अगर आपकी 31 मार्च 2016 को अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना कैश बैलेंस था
तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आपके इस साल नहीं आएगी। परंतु अगर आप अगर ये बता रहे हैं कि ये जो अभी पैसे जमा कर रहे हैं करा रहे हैं वो मेरी करंट ईयर की इनकम है, तो आपकी जो टैक्स की स्लैब वगैरह है उसके हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। या अभी जैसे आप बिजनेस करते हैं और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर 8 तारीख को कोई कैश बैलेंस अगर वो दिख रहा है वो उतना पैसा आप जमा करा सकते हैं, और जो करंट ईयर की आपकी इनकम टैक्स की जो रेगुलर रिटर्न है वो आपको फाइल करनी है और उसको उस पर टैक्स भरना है। परंतु अलग से कोई टैक्स इम्प्लीकेशन इस नोटिफिकेशन नहीं है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। जी चलिए, ये तो आपने क्लैरिफाई किया कि इसका जो ITR आप फिल करते हैं उस पर कोई सीधा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जानना कि अब से 30 दिसंबर तक अगर आप जमा करने जाते हैं पुरानी करेंसी तो ये नए नियम लागू होंगे। कई सवाल हमें मिल रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो पूछना चाहते हैं अपनी टैक्स क्वेरीज़ के बारे में। एक सवाल है पलक का, और इन्होंने अपने बारे में मेंशन किया है कि इनकी शादी में इनको इनके फादर से कुछ ज्वेलरी मिली थी जिसको अब ये सेल ऑफ करना चाहती हैं। तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत गिफ्ट्स पर तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर उस गिफ्ट को ये फर्दर सेल करती हैं और उस रकम का इस्तेमाल कहीं करती हैं तो टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होगी? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि शादी के मौके पर जो भी गिफ्ट दी जाती है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। इसके अलावा जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे फादर मदर से पैसा मिलता है, ब्रदर सिस्टर से जो पैसा मिलता है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। बाकी लोगों से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो 50,000 रुपये तक एग्जम्प्ट है कुल मिला के। अगर 50,000 से आपकी टोटल गिफ्ट बढ़ जाती है एक साल में तो आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। जहाँ तक ये ज्वेलरी जो इनको इनके फादर ने इनकी शादी के टाइम दी, तो शादी के टाइम जो ज्वेलरी दी वो उस समय एग्जम्प्ट थी। परंतु अगर अभी आप बेचेंगे तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन है उस कैपिटल गेन की लायबिलिटी रहेगी। अगर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इसके लिए आपकी जो होल्डिंग पीरियड है मतलब आपकी शादी के कितना टाइम हो गया और आपके फादर ने वो ज्वेलरी कितने टाइम तक रखी थी वो गिना जाएगा, और आपके फादर की क्या कॉस्ट है उसका इंडेक्सेशन करने के बाद में, और जो आज आप सेल प्राइस आती है उसका जो डिफरेंस है उस पर आपको 20% की टैक्स लाइबिलिटी आएगी। उसमें एजुकेशन सेस वगैरह भी ऐड जाएगा। अगर आपका कैपिटल की गेन की राशि बहुत ज़्यादा है तो आप कैपिटल गेन बचाने के लिए घर खरीद सकती है, या जो NHAI और REC के बॉन्ड्स हैं वो 50 लाख रुपए तक आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकती है। वो 6 महीने के भीतर भीतर आपको करना पड़ेगा। यानी जो सेल की रकम आएगी उसे 6 महीने के अंदर अगर ये इन्वेस्ट कर देती हैं तो ये इस टैक्स लाइबिलिटी से बच सकेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी बलवंत जी, जैसे आपने बताया कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा ये उठा सकती हैं, तो जिस तरह से प्रॉपर्टी सेल ऑफ में कैपिटल गेन्स लोग एडजस्ट करते हैं, क्या प्रोविजन बिल्कुल सेम है इन केस ऑफ ज्वेलरी? हाँ, जो मतलब कैपिटल असेट जो है, भले आप जो प्रॉपर्टी बेचो या ज्वेलरी बेचो या कुछ भी बेचो, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट है वो सेम है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्ट करने की जो राशि है, अगर आप घर में जैसे ज्वेलरी बेच के अगर आप घर लेना चाहती है तो जो राशि आपको मिलती है वो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहती है तो इंडेक्स कॉस्ट इंडेक्स करने के बाद में जो कैपिटल गेन कंप्यूट होता है वही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पूरी की पूरी राशि आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें आपने यहाँ पर बताई, एक तो ये कि टोटल पीरियड देखा जाएगा कि वो ज्वेलरी इनके पास कितने समय तक रही और इनके फादर के पास भी, और उसके आधार पर तय होगा कि लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा इस पर या फिर शॉर्ट टर्म। और दूसरा जो आपने बताया कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये यहाँ पर उठा सकती हैं, इंडेक्सेशन के कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए उसके लिए क्या आधार होगा? देखिए ऐसा है कि अगर वो ज्वेलरी 81 के पहले इनके फादर ने खरीदी है तो 81 की जो मार्केट वैल्यू है वो बेस गिनी जाएगी, और उसका जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 81 का वो 100 है, और जो जिस साल में आप बेचेंगे उस साल का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से आपकी जो कॉस्ट मार्केट वैल्यू 81 की है वो बढ़ा दी जाएगी। तो आज की तारीख में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपकी इंडेक्स कॉस्ट हो जाएगी, और जो सेलिंग प्राइस आप आज रियलाइज कर रही है दोनों का डिफरेंस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स होगा। ठीक है
यानी कि उस समय की महंगाई से इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो दोनों बातें आई थिंक पलक आपको क्लियर होंगी, होप आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिला होगा। सूरज ने सवाल भेजा है फरीदाबाद से और ये HUF के बारे में जानना चाहते हैं, गिफ्ट्स को लेकर जैसे अभी हमने चर्चा की कि रिलेटिव्स में अगर गिफ्ट्स होते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसके तहत अगर कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर को कोई गिफ्ट देता है चाहे कैश में है या काइंड में है, क्या उस पर टैक्स लगता है? देखिए पल्लवी, दो चीज है, एक तो HUF गिफ्ट दे अपने मेंबर को और दूसरा जैसे आप पूछ रही है कि HUF का मेंबर एक मेंबर दूसरे मेंबर को गिफ्ट दे, तो नेचुरली जो आपके पूर्वज है उनसे आप जुड़े हुए हैं, लीनियनी एसेंडेंट या डिसेंडेंट है वो आपके HUF के मेंबर है, तो वो जो इनकम टैक्स एक्ट की 56(2) जो धारा है उसके तहत रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, तो आपस में जो आप गिफ्ट देंगे वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। जहां तक प्रश्न HUF के द्वारा गिफ्ट देने का है, तो HUF की जो प्रॉपर्टी है उसकी गिफ्ट, उसकी प्रॉपर्टी की गिफ्ट देने का राइट है वो HUF के कर्ता को है, परंतु कर्ता वो अपना राइट है उसको अपने विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए और रीजनेबल अमाउंट है उसकी वो गिफ्ट अपने जो HUF के मेंबर है उनको दे सकते हैं, और जो HUF का मेंबर जिनको ये गिफ्ट मिलती है उनको आयकर अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। और जिस फंड का आपने जिक्र किया उसका इस्तेमाल किन खर्चों के लिए किया जा सकता है, जैसे आपने कहा डिस्क्रिशन के आधार पर ये खर्च करें या फिर गिफ्ट करें, HUF फंड के इस्तेमाल के बारे में बताइए। देखिए पल्लवी, मैंने जो बताया वो HUF की प्रॉपर्टी का गिफ्ट देने के लिए, इसके अलावा जो HUF की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल जो HUF के मेंबर है उनके लिए डे टू डे मेंटेनेंस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, आपके HUF के जो मेंबर है उनकी शादी ब्याह वगैरह के लिए वो खर्चे के लिए यूज किया जा सकता है, और वो राशि उस मेंबर की गिफ्ट नहीं गिनी जाएगी, यह एक्चुअली HUF का खर्चा है, HUF की जवाबदारी है उनके जो मेंबर है उनके एजुकेशन का है, मेंटेनेंस का है, वो सब खर्चा करने की। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कई इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो उसके प्रीमियम का खर्च इस फंड से किया जा सकता है, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर शादी का खर्च HUF फंड से किया जा सकता है, लेकिन ये कर्ता के डिस्क्रिशन के ऊपर है जो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लीड कर रहा है। गौरव का भी एक सवाल है पुणे से और फैमिली पेंशन को लेकर ये थोड़ा चिंतित है, ये कह रहे हैं कि घर चलाने के लिए ये अपनी मदर को कुछ पेंशन का अमाउंट देते हैं, कुछ एक अमाउंट इन्होंने फिक्स किया है, लेकिन ये जो नॉर्मल पेंशन होती है उससे डिफरेंट है, तो क्या इस रकम को IT रिटर्न में दिखाना होगा, टैक्स प्रोविजंस क्या कहते हैं? देखिए पल्लवी, ये प्रश्न जो है जहां तक मैं समझ पाया हूं इनकी मम्मी को फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन जब फैमिली का कोई मेंबर की डेथ हो जाती है और उनके जो डिपेंडेंट मेंबर है उनको ये पेंशन मिलती है तो उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं, और ये फैमिली पेंशन चूंकि खुद एम्प्लॉय नहीं रहे हैं तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, और जितनी पेंशन आपको फैमिली पेंशन मिलती है उसका 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम हो उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। पर एक बात और बताना चाहूँगा कि इसके अलावा दूसरी कोई भी प्रकार की पेंशन है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो रिटायर हो गए और उनको गवर्नमेंट से कोई पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन के सामने कोई भी डिडक्शन नहीं है, यह जो 1/3 और 15,000 का जो डिडक्शन है वो सिर्फ फैमिली पेंशन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी कोई भी प्रकार की पेंशन के सामने आप कोई भी क्लेम एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो 15,000 आपने बताया या तो 1/3 या फिर 15,000 जो अपर लिमिट है ये पर ईयर की है या फिर पर मंथ की? नहीं, ये जो डिडक्शन है ज्यादा से ज्यादा 15,000 होगा, 15,000 से ज्यादा नहीं होगा, ये एनुअल लिमिट है, मतलब पूरे साल में आपकी जो पेंशन जितनी आई है उसका या तो 1/3 डिडक्शन मिलेगा, और अगर 1/3 15,000 से ज्यादा होता है तो आपकी जो डिडक्शन की राशि है वो 15,000 तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, ऑलराइट।
तो जो और तरह की पेंशन्स हैं उस पर किसी तरह का टैक्स डिडक्शन नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया कि ये फैमिली पेंशन है तो इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत 1/3 पेंशन पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है और इस पर भी एक कैप है 15,000 एनुअली आपको टैक्स पे छूट मिलती है। एक और सवाल है, दानिश का सवाल है आगरा से और ये भी अपनी मदर के बारे में पूछना चाह रहे हैं टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी। इन्होंने मेंशन किया कि इनकी जो मदर हैं अब रिटायर हो चुकी हैं, टीचर हैं वैसे प्रोफेशनली, इनका जो भाई है वो शायद अब्रॉड रहता है और हर महीने घर खर्च के लिए 2 लाख रुपये की राशि अपनी मदर को भेजते हैं। साथ ही ये अपनी वाइफ को भी कुछ इन्होंने चेक से 25,000 रुपये की राशि दी है जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर है। तो क्योंकि इनका सवाल दो भागों में है, आपसे चाहोगे कि दोनों सवालों को आप एक एक करके एड्रेस करें। देखिए, जहां तक सवाल पहले भाग का है कि उनके ब्रदर जो है उनकी मदर को हर महीने कुछ पैसा देते हैं, उसको गिफ्ट ही मान लेते हैं, तो जो मैंने पहले भी प्रश्न के जवाब में बताया कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे जो गिफ्ट मिलती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड। जो उनके ब्रदर जो यूएस से जो पैसा भेजते हैं इस पे मदर को कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। इसी तरह ये जो अपनी वाइफ को 25,000 रुपया दे रहे हैं, गिफ्ट देते समय इस पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। पर जो सेक्शन 64 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके उसमें जो क्लबिंग प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई भी गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट दी हुई राशि के ऊपर जो भी इनकम होती है वो इनकम पूरी उम्र जो गिफ्ट देने वाला है उसकी इनकम में ऐड होती रहेगी। तो ये 25,000 इनकी वाइफ जहाँ भी इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर जो भी इनकम आती है वो इनकी इनकम में साल दर साल ऐड होती रहेगी।